ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಗೋಡ್ಸೆ ಗುಂಡಾ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಗೋಡ್ಸೆ ಗುಂಡಾ ಸಂತತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಗುಂಡಾ ಸಂತತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಅಂತಕರೇ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಅಂತಕರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 आज हम यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत देश में जो सच्चे देश स्वतंत्र के लिए होराट करे सो स्ट्रगल करे सो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको अपमान करने के लिए बीजेपी अब शुरू करे है। शुरू नहीं, शुरुआत से उनका वही एजेंडा है। अभी कर्नाटक में 101 साल उम्र के हमारे बुजुर्ग इस देश के लड़ाई में शामिल हुए सो हमारे बड़े योद्धा की HS Doreswamy को उन्होंने नकली कहते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, सिर्फ यत्नाल को नहीं, यत्नाल तो बीजेपी का MLA है, और यत्नाल के बाद में मैं बीजेपी को पूछना चाहती हूँ, क्या आपके गोडसे इस देश के लड़ाई में शामिल हो गए हैं? क्या आपके गोडसे हमारे महात्मा गांधी जी का कत्ल किया है? तो आप महात्मा गांधी जी को कत्ल केसो नाथूराम गोडसे को आप खंडन करते क्या नहीं करते बताओ? अगर गोडसे को आप खंडन करते हैं तो आप Doreswamy को आप सम्मान करना पड़ेगा। क्यों? Doreswamy पूरा देश के आजादी के लिए लड़े हैं। आप Doreswamy को नकली कहते हैं, गोडसे को असली कहते हैं, सावरकर को असली कहते हैं, इसका यही हो गया ना? आप भी इसका सबूत दिया है ना कि महात्मा गांधी जी को कत्ल करे नाथूराम गोडसे को सच्चे देशभक्त कहते हैं, और आपने Doreswamy को नकली कहते हैं, सावरकर को असली कहते हैं, कि इसका क्या है? आप ही सबूत दिया है, जो कत्ल किया है वो देशभक्त, जो नहीं किया है देश के आजादी के लिए लड़े हैं वो नकली है। तो आप नकली, इस दुनिया को आप साबित करके बताए हैं आप गोडसे का भक्त है, गोडसे वादी है, जो महात्मा गांधी को हत्या करे हैं उन्हों आप असली बोलते हैं, तो आप भी हत्यारों को आप समर्थन करने वाले, आप भी हत्यारा जैसा होते हैं कानून के तौर पे। इसीलिए आपका ये जो नकली का बात है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं, कड़ी खंडन करते हैं, और हम सब लोग आज ये बोल रहे हैं कि यत्नाल को अरेस्ट करो। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का कानून चलेगा, मनुस्मृति नहीं चलेगा, आपका हिटलरिज्म नहीं चलेगा, यत्नाल को अरेस्ट करो। येडियुरप्पा जी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत करते हैं तो पहला आप यत्नाल को अरेस्ट करो, उनका MLA गिरी का रद्द करो, और बीजेपी आप क्षमा मांगो पूरा दुनिया के सामने, लोगों का क्षमा मांगो। आप महात्मा गांधी जी को अपमान कर रहे हैं, आप गोडसे का समर्थन कर रहे हैं, आप सावरकर का समर्थन कर रहे हैं, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। क्यों? हम संविधान का इज्जत करते हैं, संविधान से इस देश को चलाने में हमें भरोसा है, आपके मनुस्मृति नहीं है, वापस ले लो ये बात। और दिल्ली में जो करे हैं आप लोग, इतना हत्या हो गया है कि बीजेपी का इसके वजह से हो गया है, तड़ीपार लोग बीजेपी का, एक गुंडे लोग बीजेपी का गृह मंत्री बन गया है। आज भी देखिए कलकत्ता में गोली मारो गाली दिया है, तो पूरा भारत देश में आप लोग गोली से बात करना चाहते हैं, हम छाती से बात करने कर रहे हैं। आप गन से बात करना चाहते हैं, हम पेन से बात कर रहे हैं। आप हिंसा फैला रहे हैं, हम इस देश का झंडा हमारे हाथ में लेकर आजादी का नारा हम लगा रहे हैं। हम अमन चाहते हैं, आप हिंसा चाहते हैं। क्यों? आप तड़ीपार लोग हैं, आपका बीजेपी का गुंडागिरी नहीं चलेगा, RSS का ये एजेंडा है पूरा लागू कर रहे हैं, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। HS Doreswamy का जो अपमान आप कर रहे हैं नकली कह के, आप लोगों का क्षमा मांगो बीजेपी, और यत्नाल को अरेस्ट करो, MLA गिरी रद्द करो, ये हमारा डिमांड है। के नीला, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट।